दुर्गेश हत्याकांड के उद्भेदन के बाद एसपी सहित पूरे टीम को बक्सर एसपी कार्यालय में हिंदू एकता दल ने टीम को किया सम्मानित। बता दें कि बीते दिनों 20 दिसंबर 2021 में दुर्गेश हत्याकांड को अपराधियों द्वारा दिया गया था अंजाम। इस कांड का उद्भेदन एसपी नीरज कुमार सिंह द्वारा गठित टीम के द्वारा की गई। इस कांड का उद्भेदन होने के बाद पुलिस कप्तान सहित इस कांड के उद्भेदन में शामिल पूरे टीम को सम्मान पत्र देकर साथ में बूके दिया गया, जो हिंदू एकता दल के द्वारा यह सम्मान एसपी कार्यालय पहुँच कर दिया गया, जहाँ एसपी नीरज कुमार सिंह तथा कांड उद्भेदन में शामिल सभी सदस्यों को एक साथ सम्मानित किया गया। इस मामले पर हिंदू एकता दल के सदस्यों ने क्या कहा, आप भी सुने। जो हमारे अधिकारियों ने किया वो बहुत सराहनीय है। उनके द्वारा जो भी कार्य अभी चल रहा है और आगे भी ऐसे ही चलता रहा तो हमारा बिहार भी एक कगला तक जाएगा, आगे बढ़ेगा, बहुत इसका नाम होगा। सबसे बड़ी बात है कि हमारे बक्सर में आज तक इस तरह के कार्य करने वाले एसपी नहीं आए थे। इनके आने से हर एक तरह के अपराध पे ब्रेक लगा हुआ है। हर एक तरह की प्रशासन आजकल देखते हैं आप रोड पे एक्टिव रहती है, तो हर रूप से देखने में मतलब अपराध कम हुआ है। आप लोगों किस मामले में दुर्गेश भाई दुर्गेश सिंह थे हम लोग के, उन्हीं के हत्याकांड में जिनका हत्या हुआ था 20 दिसंबर 2021 को, उनके हत्याकांड में हम लोग सर को सम्मानित करने आए थे। पुलिस के कार्यशैली संतुष्ट आप लोग हैं? जी। बक्सर जिला के हर एक युवा पीढ़ी बक्सर एसपी के साथ, बक्सर प्रशासन के साथ उद्भेदन होने पर संगठन जब भी हम लोग का इनको जब कभी जरूरत पड़ेगा हम लोग इनके साथ है। जो भी भाई शास्ति पत्र आप लोग सम्मानित किस लिए किए? हम लोग दुर्गेश भाई के सम्मानित दुर्गेश के उद्भेदन पर सम्मानित इसलिए किए हैं, दुर्गेश सिंह के हत्याकांड को लेकर भी किया और आगे जितने भी अपराध हो रहे हैं उसके लिए ना। जी जितने भी अपराध हो रहे हैं उस पर ब्रेक लगा है, इसके वजह से सम्मानित। क्या नाम क्या है? नाम हमारा संगठन हिंदू युवा एकता दल के अध्यक्ष हैं अमन पांडे नाम है।